आज हम माता के पालकी बनाने वाले हैं। पालकी बनाने के लिए हमें चाहिए बैम्बू स्टिक, वेलवेट पेपर। मैंने वेलवेट पेपर यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह वेलवेट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। बैंगल, प्लाईवुड शीट जिसे मैंने ऑलरेडी साइज में कट कर लिया है 21 से 7 सेंटीमीटर में, एंड सेम कलर के पॉम पॉम। डेकोरेटिव आइटम्स लाइक बीट, चेन, लीफ, बेल। साथ ही इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे पॉलीफिक्स जेल ग्लू एंड पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लाईवुड शीट पे वेलवेट पेपर को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए मैं पॉलीफिक्स जेल ग्लू का यूज करूंगी। साथ ही ग्लू को जल्दी ड्राई करने के लिए यहाँ मैं यूज करूंगी पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर का। काफी अच्छे से पेस्ट हुआ है। इसके बाद हम बैंगल लेंगे। बैंगल को हम फुलन से पूरी तरह से कवर करेंगे। गोल्डन लेस को लगाएंगे। ये देखिए बैंगल काफी सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हम चार होल और बनाएंगे। टोटल हमें 5 बैंगल चाहिए। अब हम करीबन 6 सेंटीमीटर की बैम्बू स्टिक लेंगे और उसे भी वुलन से पूरी तरह से कवर करेंगे। इस पर भी हम लेस को कुछ इस तरह से लगाएंगे। और इसे भी वुलन से कवर करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह बनके ये रेडी हो गया। पॉलीवुड शीट लेंगे। जितना मैंने पहले लिया था उतना ही साइज का लिया है, बट इसको मैंने बीच में से कट कर दिया है। इसे भी मैं वुलन से पूरी तरह कवर करूंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाती हुई जाऊंगी एंड इसको पूरी तरह से कवर करती हुई जाऊंगी। ये देखिए ये हमारे पूरी तरह से कवर हो गया है। हमारे सारे पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें पेस्ट करेंगे। ध्यान से करेंगे पेस्ट। यहाँ मैं ग्लू का अच्छे से यूज करूंगी। ग्लू को जल्दी ड्राई करने के लिए स्प्रे एक्टिवेटर को स्प्रे करेंगे।
इसे और ब्यूटीफुल एंड इन्हेंस करने के लिए। हमारी पालकी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए काफी सुंदर लग रही है। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं।